खबर बांदा जनपद से है, जहां शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, गृहस्थी का सारा सामान जलकर हुआ राख। शहर के पोड़ा बाग स्थित रब्बानी मैरिज हॉल के पीछे मुश्ताक अली के मकान में किराए से रहने वाले फहीम पुत्र छुट्टन के घर में सवेरे लगभग 11 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते अचानक आग लग गई। आग लगने से फहीम के घर का सारा सामान जलकर राख हो गया, जहां टीवी, फ्रिज, अलमारी, फर्नीचर, मेज, कुर्सी, रजाई, गद्दे से लेकर पहनने तक के सारे कपड़े जल गए। इस घटना की सूचना के बाद फहीम के परिवार की मदद के लिए बुंदेलखंड नौ निर्माण सेना अध्यक्ष राहुल अवस्थी, रोटी बैंक अध्यक्ष रिजवान अली, नगर पालिका अध्यक्ष मोहन साहू मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को जरूरत का सामान के साथ साथ आर्थिक सहायता भी दी। बांदा से नजरे आलम की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फहीम। फहीम, आज आपके घर में आग कैसे लगी है, क्या हुआ? मैं सुबह रोज की तरीके काम पे गया हुआ था और घर में शॉर्ट सर्किट हुआ और मिसेज और दो बच्चे थे छोटे छोटे, तो मिसेज ने जो है बच्चों को लेकर के घर से बाहर आई और मुझको कॉल किया, तो फिर मैं आया दुकान से और मैंने यहाँ आकर के देखा तो यहाँ पे आग ने बहुत ज़्यादा रूप, विकराल रूप ले लिया था। और जो उसके बाद मैंने फायर ब्रिगेड में जाके इन्फॉर्म किया तो वहाँ आए, जब तक वहाँ से फायर ब्रिगेड आए जब तक सब कुछ ख़त्म हो चुका था। लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? लगभग मेरे 1 लाख के आसपास नुकसान हो चुका है। बचा क्या है घर में? मेरे घर पर कुछ भी नहीं बचा सुरक्षित। आपने अभी यहाँ आकर जहाँ अग्निकांड हुआ, यहाँ रिपोर्ट तैयार की है, लगभग कितना अनुमानित नुकसान पाया गया है? जैसे ही मुझको जो है आग की सूचना मिली, मैं तुरंत इनके जो है आग का निरीक्षण करने के लिए इधर आया। पोड़ा बाग फहीम पुत्र मंसूरी, पुत्र छोटन मंसूरी पोड़ा बाग में किराए के मकान में रहते हैं। विद्युत शॉर्ट सर्किट से इनके आग लग गई। आग से इनका 90,000 का अनुमानित क्षति जो है देखने में जो हुई है। क्या नाम है आपका? मैं धीरेन्द्र सिंह लेखपाल, भवानीपुर बांदा।